झारखंड में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दिए एक बयान पर आज संसद के निचले सदन में जमकर हंगामा हुआ। अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद लोकसभा में बीजेपी की तमाम महिला सांसद स्मृति के साथ खड़ी हो गईं, जिस पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने राहुल के बयान का बचाव किया। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर एक दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड में आवाज क्या बुलंद की कि देश की सियासत में ही हड़कंप मच गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। राहुल गांधी का यह बयान जैसे ही मीडिया में सामने आया, इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के नेता पहले ही राहुल के बयान पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को सदन में उठा दिया और राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की। इतना ही नहीं, सदन में राहुल की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी के तमाम महिला सांसद भी स्मृति के साथ आ गईं और राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। I was hopeful that above party lines you could rise and condemn this statement of rape in India. That is the least as parliamentarians, as citizens we can do. I am extremely disheartened. बीजेपी सांसदों की इस घेराबंदी पर कांग्रेस और उसके सहयोगी भी चुप नहीं बैठे। डीएमके सांसद कनिमोझी राहुल के समर्थन में खड़ी हुई और राहुल गांधी के बयान का बचाव किया। Unfortunately, make in India is not happening and the women in this country are being raped. आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने बयान पर बवाल के बाद माफी मांग ली थी। ऐसे में अब राहुल के बयान पर शुरू हुई तकरार क्या रंग लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।